एलिशियन का परम पूज्य कृपालु गुरुदेव के चरणों में मेरी भावभीनी वंदना। गुरुदेव, प्रत्येक बोध जो आपसे मिला है उसकी जुगाली अंतर में चलती रहती है। रुचि तो एक स्वरूप को पहचानने की ही है, फिर भी तत्व चिंतन की धारा निरंतर नहीं बनी रहती, थोड़ा अवकाश आ ही जाता है। आपने 14/5/2020 के सत्संग में कहा था कि तत्व विचार किस क्वालिटी का है यह महत्वपूर्ण है। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि प्रैक्टिकल में क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, शब्दों के पीछे छिपे भाव अंतर में कैसे उतारें। आपने एक सत्संग में बताया था कि जब हम बगीचे के निकट होते हैं तो खुशबू का एहसास होने लगता है। आपकी ज्ञान दीपक निधि दिल्ली। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व असंख्य समयों तक मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसा तत्व विचार होता है। तत्व विचार के काल में भावों से भिगकर शब्दों पर जोर न देकर शब्दों के पीछे छिपे हुए भावों को समझना और भाव सहित तत्व विचार कि उस तत्व विचार के फल में मिथ्यात्व की मंदता होना और मिथ्यात्व की मंदता ही नहीं एक ऐसी स्थिति का प्रकट होना जहां मिथ्यात्व रहता ही नहीं। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की यात्रा के लिए ज्ञानियों ने तत्व विचार पर विशेष जोर दिया है और खासकर यह कहा है कि तत्व विचार कितना यह महत्वपूर्ण नहीं है, तत्व विचार कैसा यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी हम तत्व का विचार करते हैं तब भी हमारे तत्व विचार में चैतन्य तत्व नहीं होता, कोई ना कोई परद्रव्य और प्रभाव ही होते हैं और इसी वजह से सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। परद्रव्य एवं प्रभावों में तत्व विचार के नाम पर वहां कहीं ना कहीं अटकना हो जाता है। कभी कभी तत्व विचार चलता है तो ऐसा तत्व विचार चलता है कि यह जगत सारा क्षणिक है, ये संसार की क्षणभंगुरता तो देखो, ये कैसा संसार,
पल पल में पलटते हैं ये पामर के परिणाम, ये कैसा संसार। अभी जो कांच का गिलास है नीचे गिरा कि फूट गया, ये जगत का स्वरूप कैसा है, ये तत्व का स्वरूप कैसा है, ये भी एक तत्व विचार है। मगर इस तत्व विचार के बल पर, इस तत्व विचार के फल में निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। ये तत्व विचार से तो निर्विकल्प अनुभूति की प्यास लगती है। जैसे जैसे ये अनित्यता का तत्व विचार होता है, आज का दिन भी तत्व विचार का दिन है। नव तत्व का विचार करो या सात तत्व का विचार करो, नव सात का दिन है, तत्व विचार का दिन है। समय सार में नव तत्व कहे, तत्वार सूत्र में सात तत्व कहे, ये भी एक तत्व विचार है कि कैसे है ये परिणाम जो क्षण भर में पलट जाते हैं, ये भी एक तत्व विचार है। मृत्यु का विचार, ये भी एक तत्व का विचार है कि ये आदमी अभी बैठा था और अचानक ये मृत्यु हो गई, ये भी एक तत्व विचार है। मगर इनमें से ये किसी भी परद्रव्य और परभाव के विचार के बल पर, विचार के फल में निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। क्योंकि जिस समय की पर्याय में निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस पर्याय की बात नहीं, उस निर्विकल्प अनुभूति से असंख्य समय पहले तक ये जो तत्व विचार की धारा चलती है, उस तत्व विचार की धारा में चैतन्य 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 चैतन्य, और वो चैतन्य को ही मुख्य करके वो ध्रुव की मुख्यता से ये जो तत्व विचार चलता है। ये दोनों प्रकार के विकल्प है, उत्पाद और व्यय युक्त जो, मगर उन दोनों में भी जो ऐसा जो मैं चैतन्य, ऐसा मैं का जो भाव है, वो भाव ध्रुव चैतन्य मैं चैतन्य के साथ में ऐसा दोनों में पलटना हुआ, उत्पाद हुआ व्यय हुआ, मगर वह दोनों में अलग अलग नहीं, ऐसा जो ध्रुव सत्ता स्वरूप है, बस इसी का विचार, यह तत्व विचार जो निर्विकल्प अनुभूति में रूपांतरित होता है। एक आदमी है जो अभी मेरी बात को नहीं मानता है, मैंने उसे बहुत समझाया फिर भी वो मेरी बात को नहीं मानता, और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि उसने मेरी बातों को मान लिया। तो पहले वो व्यक्ति मेरी बात को नहीं मानता था और फिर उसने मेरी बात को मान लिया, ये दोनों बातें हुई, मेरी बात को नहीं मानता था और अब मेरी बात को मानता है। मगर नहीं मानने वाला और मानने वाला वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई नया नहीं है, वो व्यक्ति वही है जो नहीं मानता था और मानता है, वो दोनों में जो टिक्कर रहने वाला व्यक्ति, उसे कहते हैं वो ध्रुव, वो ध्रुव का भाव। तो पहले जो श्रद्धा गुण की पर्याय ये मानती नहीं थी कि मैं भगवान आत्मा हूं, और फिर श्रद्धा गुण की पर्याय ये मानती है कि मैं भगवान आत्मा हूं, इन दोनों अवस्थाओं में जो सत्ता स्वरूप जो चैतन्य है, जिस चैतन्य में वो मान्य रूप परिणमन ही है, ऐसे जो चैतन्य सत्ता, इस चैतन्य सत्ता के बल पर, इस चैतन्य सत्ता इसी का तत्व विचार। इसलिए जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, वहां दिशा सच्ची होने के कारण निर्विकल्प अनुभूति, ये निर्विकल्प अनुभूति
सम्यक दिशा में यात्रा होने के कारण जब भी तुम तत्व विचार करते हो और निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, उसके पीछे यही कारण कि जब तुम्हारा तत्व विचार चलता है, वो जो अंतर मुहूर्त का काल है। निधि ने ही आगे पूछा, मेरी दूसरी शंका यह है गुरुदेव कि करण लब्धि के अंतर मुहूर्त में क्या प्रोसेस चलता है जिससे सहज निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, कृपा करके पुरुषार्थ तीव्र करने की कला सिखाइए गुरुदेव। करण लब्धि के काल चार लब्धि तक यह जीव भूतकाल में बहुत बार गया। करण लब्धि के काल में भी वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अभी निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई है। हाँ, निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व ये जो तत्व विचार के काल में, इसका थोड़ा सूक्ष्म रहस्य समझने जैसा कि वो जो आज तक इस जीव को सभी प्रकार के भाव हुए ना, वो पंच परावर्तन में ये चर्चा की थी, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल, भव और भाव, ये सब पंच परावर्तन। तो आज तक सभी प्रकार के भाव हुए, और वो अज्ञानी को जो भाव होते वो सब भाव हुए, मगर अज्ञानी को जो भाव होते वो जो कथन ये सब करणाम योग का, ये भाव तो हुआ ही नहीं। क्योंकि करण लब्धि के दौरान जो भाव होते हैं, करण लब्धि के दौरान जो भाव है, उस प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि की स्थिति है, वो तो सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले ही होती है नियम से। तो वो मिथ्या दृष्टि की भूमिका नहीं होने वाले वो करण के परिणाम है, वो नहीं हुए। इसलिए करणानुयोग के सिद्धांत में भी ये सब स्थूल कथन है, ये भी कहने के लिए कथन है, इस जीव ने आज तक पंच परावर्तन किया, एक भी भव बाकी नहीं छोड़ा, सब जगह जन्म लिया, देव बना, मनुष्य बना, नारकी बना। अब जो जीव अनादि काल से नित्य निगोद में ही है, अब वो तो देव बना ही नहीं है, वो नारकी बना ही नहीं है, वो मनुष्य बना ही नहीं है, तो पंच परावर्तन में वो भव परावर्तन कहां हुआ उसका? सब जगह। वो जो कथन है, उन कथन के पीछे जो आशय है, उन आशय को तुम समझो। ऐसे ही करण लब्धि का स्वरूप है। करण लब्धि का स्वरूप पहले मैं उस भाषा में तुम्हें कह दूं जो शास्त्र की भाषा है, और फिर मैं तुम्हें ये कहूं कि अंतर में जो उस समय जो प्रक्रिया चलती है वो भावों की, जिसमें शास्त्र को मैं गवाह रखता हूं मगर मैं अनुभव स्वयं का सुनाता हूं। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व शास्त्र के प्रमाण के अनुसार जितना भी शास्त्र में लिखा है उस अनुसार वह जो करणानुयोग का विषय, वो हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आ सकता। सबसे पहली बात तो ये, क्यों? क्योंकि वहां जो करण लब्धि के परिणाम का स्वरूप बताया, वो परिणाम प्रत्येक समय के परिणाम की चर्चा की, और पहले समय के ये परिणाम, दूसरे समय के ये परिणाम, तो वो एक एक समय के परिणाम तो अज्ञानी के पकड़ में ही नहीं आते। एक एक समय के परिणाम, एक समय के परिणाम पकड़ में नहीं आते, एक समय के परिणाम पकड़ में नहीं आते, मगर एक समय में अनुभव में आने वाला द्रव्य वो पकड़ में आता है, अर्थात जानने में आता है, वो छद्मस्थ को भी जानने में आता है। ऐसा जिसमें वो अनुभव हो रहा है उसे तो मैंने देखा ही नहीं, जिसमें अनुभव होता है वो देखा नहीं, अर्थात वो पकड़ में नहीं आने का भाव। एक एक समय का परिणाम स्थूल रूप से ऐसा समझो कि रसगुल्ला जो अनुभव में आया तो रसगुल्ला तो मुझे दिखाई दिया, मगर रसगुल्ले का अनुभव करने वाली जो जीव है, वो जीव को तो मैंने आज तक नहीं देखा,
तो अनुभव करती है जीव और अनुभव होता है रसगुल्ले का। तो जो अनुभव में आने वाला है वो तो मुझे दिखाई देता है, मगर अनुभव जहां हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। उसका भाव ये कि एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब अनुभव में आता है, उस एक समय की पर्याय में वो समय पकड़ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक समय की पर्याय ये अज्ञानी के ज्ञान में कैसे पकड़ में आए, मगर एक समय की, दूसरे समय की, तीसरे समय की, वो जो करण लब्धि में जब प्रवेश होता है, देशना सुनी, प्रयोग किया, वो जब प्रयोग में चलता है ना, निर्णय करता है सब, तत्व विचार करके निर्णय करता है, वहां पर भी तत्व विचार है, मगर वो जो प्रायोगिक में तत्व विचार है वहां तो स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक तत्व विचार है। ये राग मेरा स्वरूप नहीं, राग की मृत्यु है और मैं चैतन्य नित्य, ऐसा भेद विज्ञान। और जब करण लब्धि में प्रवेश हुआ तो वहां चैतन्य तत्व पर ही पूरा जोर हुआ, और वहां वो प्रवेश जैसे ही होता है तो वहां तीन प्रकार के परिणाम होते हैं। वो एक अंतर मुहूर्त काल में जो तीन परिणाम है वो शब्दों से तुमने सुने हैं, मगर उसका भाव थोड़ा समझो। अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये दो प्रकार के हैं। एक तो दर्शन मोहनी के साथ में संबंधित ऐसे, और दूसरा चारित्र मोह के साथ में संबंधित। गुणस्थान के जो नाम है ना, आठवां गुणस्थान उसका नाम है अपूर्वकरण, नौवां गुणस्थान उसका नाम है अनिवृत्तिकरण, और सातवें गुणस्थान में दो भेद, एक स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त में वो जो परिणाम है वो अधकरण के परिणाम, तो वो सातवें के दूसरे भाग में अधकरण, फिर आठवें में अपूर्वकरण और नौवें में अनिवृत्तिकरण, वो चारित्र की बात है। मगर दर्शन मोहनी में वो जो अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये जो परिणाम जैसे ही करण लब्धि में प्रवेश हुआ, ये समझने के लिए, ये समझने के लिए करण लब्धि में प्रवेश हुआ 3:12 पर, तो एक जीव ऐसा है, ये पहला जीव जिसका करण लब्धि में अभी प्रवेश हुआ, उसके जैसे परिणाम है कभी, और दूसरा जीव ऐसा है उसका भी करण लब्धि में प्रवेश हुआ कुछ दिन बाद हुआ, उस समय हुआ, मगर उसका जब प्रवेश हुआ तो दोनों जीव स्वतंत्र। और जब करण लब्धि में प्रवेश हुआ तब अधकरण के परिणाम में ये जो पहला जीव है उसके परिणाम, और दूसरे जीव है, दूसरा जो जीव उसके परिणाम, ये दोनों के परिणाम एक से नहीं हो सकते। और ऐसा हो सकता है कि ये एक समय यहां आया 3:12 पर जो उसके परिणाम है, इतना पक्का है कि अगले समय के परिणाम में वो अनंत गुणी शुद्धता, विशुद्धता बढ़ती जाएगी, विशुद्धता बढ़ती जाएगी, पहले समय से फिर दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, पांचवें समय। अब समझने के लिए कि पांचवें समय का जो इसका परिणाम है, इस जीव का प्रवेश किया करण लब्धि में, अब पांचवें समय का जो परिणाम है, और दूसरा जीव ऐसा है जिसने करण लब्धि में प्रवेश किया, और उसका जो पहले समय का परिणाम है, वो उसका पहले समय का परिणाम ऐसा हो सकता है जैसा इसके पांचवें समय का परिणाम है, शुरुआत में ऐसा हो सकता है। माने अधकरण में किसी की शुरुआत में ही ऐसी विशुद्धता हो और किसी की कम ज्यादा हो, वो सब अधकरण के परिणाम में होता है। और उसके बाद में अपूर्वकरण कि अपूर्वकरण में तो यहां अधकरण में तो समान 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 कैसे परिणाम, और अपूर्वकरण में समान परिणाम नहीं, अपूर्वकरण में जैसे ही प्रवेश हुआ उसका नाम ही अपूर्व में नहीं हुए ऐसे, तो वो बढ़ते 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 ऐसे अपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुए ऐसे, पहले कभी नहीं हुए उसका मतलब ऐसा नहीं कि भूतकाल में कभी नहीं हुए, उसका भाव ऐसा है कि पिछली पर्याय में जो थे उससे ऊंचे ऐसा, क्योंकि अधकरण के जो परिणाम है ना वो परिणाम भी पहले तो कभी नहीं हुए थे क्योंकि मिथ्यात्व था, अभी हुए तो उस दृष्टि से तो अधकरण में जो परिणाम है वो भी अपूर्व है क्योंकि करण लब्धि में अभी प्रवेश हुआ,
करण लब्धि में पहले कभी प्रवेश ही नहीं हुआ था, अपूर्व करण में प्रवेश हुआ कि अभी की पर्याय में जो विशुद्धि है उससे ऊंची ही होगी, ये नियम जाना, उसका नाम है अपूर्व करण। और उसके बाद जो अनिवृत्ति करण है, तो अनिवृत्ति करण में अभी किसी जीव ने अनिवृत्ति करण में प्रवेश किया और दूसरा एक जीव जिसने अनिवृत्ति करण उस करण में प्रवेश किया, तो दोनों के परिणाम एक से होंगे, अब उसमें अंतर नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति प्रत्येक ज्ञानी को, चार बजे सम्यक दर्शन हुआ ये भी समझने के लिए, चार बजे सम्यक दर्शन हुआ तो चार बजे की जो अनुभूति है वो सभी जीव की एक समान, वो सम्यक दर्शन में भेद नहीं, वो औपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि होगा तो पहले औपशमिक ही होगा, मगर सम्यक दर्शन में कि ये मैं भगवान आत्मा और पर पदार्थ मैं नहीं हूं, ये श्रद्धा तो सभी की है, सभी का सम्यक दर्शन है। वो आत्मा में से एक तत्व छूटा नहीं है, तीनों में से किसी का भी। अब अनिवृत्तिकरण में जब प्रवेश होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तब सम्यक दर्शन तो सभी का एक समान। आज किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, औपशमिक सम्यक दर्शन आज चार बजे प्रकट हुआ, किसी को कल चार बजे प्रकट हुआ, किसी को कल चार बजे प्रकट होगा, तो ये सम्यक दर्शन में समानता होगी, परिणाम होगी। सम्यक दर्शन में नहीं, सम्यक दर्शन से पूर्व जो अनिवृत्तिकरण की स्थिति है वहां पर ही परिणाम समान हो जाते हैं, सम्यक दर्शन में तो होते ही, मगर सम्यक दर्शन से पहले जो अनिवृत्तिकरण की स्थिति है वहां पर भी परिणाम एक समान होते हैं। इसलिए कहा था अनिवृत्ति माने निवृत्ति माने भेद, अनिवृत्ति माने भेद नहीं अर्थात एक समान, कोई भेद नहीं, सभी जीवों के परिणाम एक समान होते हैं, उसमें प्रवेश होते हैं। और उस समय फिर वो जो इसकी विस्तार से चर्चा अभी करेंगे तो मुझे जो मूल बात बतानी है वो छूट जाएगी, क्योंकि उसके अंदर फिर स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा, वो जो प्रक्रिया होती है, और जैसे जैसे वो अनिवृत्तिकरण में प्रवेश हुआ और अनिवृत्तिकरण में वहां पर अंतिम समय ऐसा हुआ कि वहां वो करण से परिणाम से न्यारा ऐसा जो अपरिणामी चैतन्य परमात्मा, वो सम्यक दर्शन होने से पहले ये सब परिणामों का पता नहीं चलता, परिणामों का पता नहीं चलता, वहां तो तत्व विचार चैतन्य पर जोर है, ये गिनती करने नहीं बैठता कि अभी अधकरण गया, अभी फिर अपूर्व करण आया, अभी अनिवृत्ति करण आया, ऐसा, क्योंकि ये तो तुमको और मुझको ये सब पता है। अब चिड़िया को सम्यक दर्शन होता है, ये अधकरण, ये अपूर्व करण, ये अनिवृत्ति करण, ये शास्त्र में था, तो सम्यक दर्शन तो उसको भी होता है। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें क्या करना है, तुम तो चिड़िया हो बस, मैं चिड़िया समझ करके तुमको ये बात बताऊं कि तुम्हें अभी याद नहीं रहता, या तुम्हें याद नहीं रखना, या तुम्हारी उम्र हो गई, या तुम्हें याददाश्त भी नहीं है। मूल प्रयोजन, बस प्रयोजन, मुझे जो प्रयोजन लगता है बस, निर्विकल्प अनुभूति होती है इन परिणामों का स्वरूप। अधकरण के जो परिणाम है उसमें जितना काल बीता उससे कम काल अपूर्व करण में बीता, उससे भी कम काल अनिवृत्ति करण में, और वो कम माने थोड़ा कम नहीं, संख्या का भाग कम, ऐसे ही धीरे धीरे कम समय, और फिर वो एक समय में निर्विकल्प अनुभूति होती है, क्योंकि वहां जो परिणाम की स्थिति, जैसे जैसे उससे क्या होता है, ये परिणाम से उसमें जो परिणाम जो है, ये मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की मंदता होना, मिथ्यात्व की मंदता होना और मिथ्यात्व के निषेधों का घटता जाना, ये दोनों में अंतर।
तो मिथ्यात्व की मंदता तो हुई, ये तत्व विचार चलता है, मगर वो मिथ्यात्व के जो निशे के जब ये करण लब्धि में प्रोसेस चलता है कि मैं भगवान आत्मा हूं, वैसा तत्व विचार चलता है, उस समय क्या होता है सहज ही, ये जो ऐसे बरसात हो रही है तो ये मिथ्यात्व के भाव की बरसात हो रही है, समझ रहे, मिथ्यात्व के भाव की बरसात है, और ऊपर जो बादल बने हैं कि बादल से बरसात हो रही है, तो वो बरसात कहां से हुई कि बादलों में से, ऐसे मिथ्यात्व भाव जो होते हैं वो किससे होते हैं कि मिथ्यात्व नामक जो द्रव्य कर्म है उसके उदय से, वो द्रव्य कर्म का उदय वो बादल, द्रव्य कर्म का उदय है वो बादल है। और यहां जो बरसात हो रही है, अब तुम्हें कोई कहे कि ये बरसात को रोकना है, तो बरसात को रोकने के लिए वो बादल वहां पर जो है वो बादल बिखर जाए तो बरसात नहीं होगी, मगर बादल बिखरे कैसे, तो ऐसी यहां प्रोसेस चलती है कि यहां ऐसी कोई अग्नि हुई कि उस अग्नि के बल पर वो बादल ही बिखर गए, वो अग्नि के बल पर बादल बिखर गए तो बरसात ही नहीं हुई, वो बादल के बिखरने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम करण लगती है, वहां वो बादल बिखरने लगते। द्रव्य कर्म जो मिथ्यात्व कर्म है वो घटने लगते हैं, और एक समय आता है कि जब टंकी में ऊपर पानी नहीं तो नल में क्या आएगा, जब बादल ही नहीं है तो बरसात किसकी होगी, जब मिथ्यात्व के कर्म ही उदय में नहीं है तो यहां मिथ्यात्व भाव कैसे होगा, क्योंकि वो तो प्रभाव है ना, पर के लक्ष्य होगा, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व जो ये विचार चलता है मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तो ये क्या है, ये विकल्प है, उस समय तो मिथ्यात्व है ना, अनुभूति से पूर्व करण लब्धि में है, अभी मिथ्या दृष्टि है और विचार चलता है मैं चैतन्य तत्व हूं, तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों, क्योंकि लक्ष्य तो स्वरूप का है, उस समय स्वरूप का लक्ष्य है मैं चैतन्य, तुम भी विचार तो करते हो ना, वो करण लब्धि की बात तो दूर, तुम्हारी भूमिका में भी तुम विचार करते हो, ऐसा विचार तो तुम भी कर लेते हो कि मैं भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा हूं यह विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जब तत्व विचार चले, उस तत्व विचार के काल में उस विचार को भी बहता प्रवाह जो देखता है और स्वयं को उस प्रवाह में बहता नहीं देखता है, विचार के प्रवाह में, इसलिए मैं कहता हूं कि जब यह तत्व विचार हो ऐसा हो मैंने ये प्रोसेस ऐसे चलेगी, मैंने आंवले को हथेली में रखा है, अभी क्या चल रहा है विचार कि मैंने आंवले को हथेली में रखा है, मैंने आंवले को हथेली में रखा है, और फिर कि मैं आंवला हूं हथेली पर अभी यहां, वो आंवले की ओर से विचार हुआ, तो पहले पर्याय की जोर से था कि मैं भगवान आत्मा हूं, तो पर्याय में वो होता था विचार मैं भगवान आत्मा हूं, तब उसकी जो यात्रा चलती थी वो पर्याय के साथ चलती थी, और जब वो पर्याय में विचार चलता है और विचार चलेगा, मगर उसकी यात्रा पर्याय के साथ नहीं, पर्याय इसलिए जो न्याय का नहीं, पर्याय मारो ध्यान करे, मारो ध्यान वो ध्यान नहीं करते, ध्यान तो पर्याय है, ऐसा उसका भाव है, ऐसा भाव है, माने द्रव्य का पूरा जोर, ऐसा कोई सत्ता, ऐसा ध्रुव, वहां विकल्प हुआ, उस विकल्प में भी वो विकल्प जो हुआ कि मैं भगवान आत्मा हूं, वो मैं भगवान आत्मा हूं, वो विकल्प भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, और उस समय भी अंदर में ये जागृति कि ये विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है, उसमें मैं कहीं नहीं, क्यों कहीं नहीं, इसलिए क्योंकि वो विकल्प जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, वो विकल्प
विकल्प जिसे ज्ञान दर्पण में ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित हो रहा है, विकल्प उस ज्ञान की अवस्था में मैं स्वच्छ प्रतिबिंबित हो रहा हूं अनादि अनंत, इसलिए मैं कैसे मान लू कि मैं विकल्प में पलटा हूं। वो ज्ञान की अवस्था में यह देखता है, स्वयं की सत्ता को भी देखता है और विकल्प को भी देखता है, मगर विकल्प को देखता है तो जन्म मरण वाला देखता है, अपने को तो ज्ञान की पर्याय में न्यारा देखता है, ऐसा है। और इसी के बल पर विकल्प में एकत्व नहीं, विकल्प में एकत्व नहीं, ऐसा हो ऐसा ऐसा अभेद परिणमन निर्विकल्प अनुभूति के काल में चैतन्य चैतन्य का बस इतना, क्योंकि इससे ज्यादा गहराई में समझाने का मुझे नहीं आता। तुम चिड़िया नहीं, मैं चिड़िया कि मुझे ज्यादा गाना नहीं आता, चू चू के अलावा चू चू के अलावा चैतन्य चैतन्य के अलावा कुछ गाना नहीं आता। मैं चिड़िया, तुमको चिड़िया कहो तो किसी को बुरा भी लगे, तुम कौन होते हो हमको चिड़िया कहने वाले, इसलिए खुलासा अभी कर दूं, मैं चिड़िया मेरे को नहीं आता ज्यादा समझाना, मैं तो इतना कि जो मुझे अनुभव में आता है, मुझे जो अनुभव में आता है उसे कहने का साहस करता हूं, और साहस करता हूं उस समय विकल्प आया मैं इसे कहने का, उस समय ज्ञानी को उस समय जागृति ये सब चल रहा है, उसे कहने का साहस करता हूं। तेरी सत्ता ज्ञान में है जो साहस ही नहीं करती, ऐसी चैतन्य सत्ता वो ज्ञान में जानता है और ये विकल्प को प्रतिबिंबित होता भी जानता है कि मैं तुम्हें भगवान आत्मा का स्वरूप बताने का साहस करता हूं, ऐसा ही ये पूरा अनादि अनंत चैतन्य जीवन ऐसा हो। वो स्वरूप की पहचान पर्याय दृष्टि छुटी और द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई, ये जिंदगी ऐसी है क्षणिक के बोध से ऐसा फर्ज है, फिर वो यात्रा होगी क्षणिक के बोध से, जिंदगी एक बार मिलती, ये बात बिल्कुल झूठ है, जिंदगी एक बार मिलती है ये बात झूठ है, मैं नहीं मानता जिंदगी एक बार नहीं मिलती, जिंदगी तो रोज सुबह मिलती है, उठेगी जिंदगी मिलती है, मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो रोज नहीं नहीं मिल रही है, तुम जियो आज भी जियो आज भी जियो, हर सुबह नई किरण लेकर के आती है, और जिसने असली जीवन को देखा तब वो कहता है कि मौत एक बार आती है नहीं, मौत आती ही नहीं, और असली जीवन का दर्शन हुआ तब ऐसा। इसलिए बहुत सूक्ष्म ये जो प्रश्न के पीछे जो भाव है, मैं ऐसे बिरले की खोज में हूं, ऐसे बिरले की खोज में जो विकल्प को बर्दाश्त ही ना कर सके, उनका समर्पण ऐसा, अभी समझने वाले वो समझने वाले ऐसे, मेरे मरने के बाद रोने वाले बहुत हैं, मैं तो उस व्यक्ति की तलाश में हूं जो मेरे रोने पर ही मर जाए, उसका समर्पण ऐसा, वो इतना नजदीक आकर के मुझे समझे, और नजदीक आकर के माने दिल्ली से उमरा लाकर के नहीं, नजदीक आकर के अर्थात जहां पर वो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो तुम दूर हो, और जैसे ही विकल्प से न्यारे चैतन्य स्वरूप तक पहुंचे कि बस तुम मुझसे नजदीक आ गए, और मुझसे नजदीक नहीं तुम प्रत्येक परमात्मा से नजदीक आ गए,
लेकिन परमात्मा के स्वरूप को पहचाना नहीं, इस वजह से ये वहां पर सबसे चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के लिए पूछा है। कैसी चिंतन धारा रहती है, ऐसी ही निशंका है ना, और तुम्हारा उसी प्रकार का तत्व विचार हो, बचना ऐसे निमित्तों से जरूर। जहां चैतन्य तत्व का विचार नहीं हो पाता है बच लेना, मगर जब तत्व विचार चलता है, पहले किससे बचे थे, परिवार जनों से, मित्र से, है? इन सब से बचना, मगर एक से तुम नहीं बच पाओगे, उससे बचना ये असली, सबसे बच लिया, यहां तक कि गुरु को भी छोड़ दिया। गुरु को भी छोड़ दिया, मगर तुम फिर जो बचना होगा ना, वो बहुत असली कसौटी तुम्हारी तब होगी, तब तुम बचना, उससे दूर रहना, उससे बचना। तुम पति पत्नी से, माता पिता से, भाई बहन, पुत्र पुत्री, धन से बचने की इतनी जरूरत नहीं। धन को छूना लो सम्यक दर्शन के लिए, वो धन से बचने की उतनी जरूरत नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जीव कहां अटक जाता है, प्राप्ति करने से क्यों वंचित रहा, वो किसको छूने से वंचित रहा, उसका भाव समझो। धन को तो छोड़ दिया, धन साधु हो गया, पर धन को थोड़ी लेके गया, वो जो छोड़ना है उसे मैं छू न लू, बस उसे मैं छू न लू, अर्थात वो भी भावों से ऐसा। और उस किससे बचना, दो माँ बाप, पुत्र पत्नी, परिवार से नहीं, उस समय तुम्हें बचने की असली कसौटी कि जब तुम्हें ये विचार होता है, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, तब तुम बचना, उन विचारों से बचना, उन विचारों से। घर, पुत्र, पत्नी, परिवार से तो दूर होकर के तत्व विचार किया, अब वो तत्व विचार से भी बचना है, क्योंकि ये प्रवाह है और मैं त्रिकाल सत, त्रिकाल सत, इससे तत्व विचार में भी एकत्व न हो जाए, इसलिए बचना, वरना मौत होगी। अभी ये विचार मरा कि तुम मरे, इसलिए तत्व विचार में ऐसा भेद विज्ञान। आज तक ये जीव यहां तक पहुंचा और तत्व विचार में भेद विज्ञान से वंचित रहा। आज मेरे विचार बहुत अच्छे चले, वहीं पर ही मृत्यु हो गई, क्योंकि विचार अच्छे चले, वो तो चले इतना बोलो, उससे पहले तो मर गए। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति एक समय में प्रकट होती है, एक समय में यह निर्विकल्प अनुभूति होती है, वो एक समय में होती है, उसकी जो प्रक्रिया है वो यहां से ही शुरू हो जाती है, पता चलता है कहां कि वो प्रक्रिया चल रही थी, मोह जिस समय छूटा उस समय पता चलता है। ऐसा हो फिर तो ऐसा लगेगा, अरे ऐसा कोई भी संसार के, ये देखो ना रिश्ते, ये रिश्ते धीरे 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 टूटते जाते हैं, रिश्ते भी धीरे धीरे टूटते, सिर्फ पता अचानक लगता है, अचानक लगता है कि आज मैंने उस व्यक्ति के साथ बात बात में क्या बोला कि बुरा लगता है, वो आज का नहीं है, वो धीरे 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 रोज का रोज का रोज का रोज का वो चालू हुआ था। रिश्ते टूटने तो धीरे धीरे हो जाते हैं, सिर्फ पता एक समय में लगता है कि अब ये टूटा। ऐसे ही वो मोह के साथ में जो करण मुक्ति में वो मोह की ग्रंथि, वो टूटनी तो शुरू हो गई है, अनुभूति हुई तब पता चला कि ये रिश्ता टूटा, वो असली तब। इसलिए वो एक दिन का परिणाम नहीं है। आज किसी के साथ तुमने बोला, उसने बर्दाश्त किया, फिर तुमने कुछ बोला, उसने बर्दाश्त किया, फिर तुमने कुछ बोला, उसने बर्दाश्त किया, पर एक दिन बर्दाश्त नहीं किया, वो उस दिन का नहीं, वो धीरे धीरे जो वहां पर इकट्ठा हो रहा था उसका एक परिणाम है, वो टूट ही रहा था, वो रिश्ता टूट रहा था।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति एक समय में होती है, और जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई बस बरसात रुक गई, और उस समय तुम एहसास करोगे। अभी जो तुमको लगता है ना कि अब इनसे भी कब छूटे, ऐसा तुम्हें लगे अब इनसे भी कब छूटे, और तब तुम्हें वो बोझ लगेगा, वो जिनकी छत्र छाया में तुम बैठते थे वो भी तुम्हें फिर उपाते ही न रहेगा। अब कब ये भी छूटे और कब अंतर्मुख हो, क्योंकि जब तक बरसात थी तब तक वो छाता इतना ओंकारी लगता था, जैसे ही बरसात रुक गई कि छाता भारी पड़ा, अब बोझ लगने लगा कि ये छाता भी अब कब छूटे। बरसात छूट गई, बरसात मिट गई, बरसात न रही, मिथ्यात्व की बरसात मिटी कि अब देव शास्त्र गुरु से भी अब कब छूटू, अब ये छाता भी अब बोझ सा लगता है, अंतर्मुख हो जाए, अब जरूरत क्या, अब मुक्त हो जाए, ऐसी दशा रहता है सबके साथ में। ये ज्ञानी जो रहता है सबके साथ में, मिथ्यात्व की बरसात जिनकी न रही फिर भी रहता है सबके साथ में, ज्ञानी की वह दशा रिश्ता सबके साथ रखता है मगर उम्मीद किसी से भी नहीं रखता, वह ज्ञानी माँ बाप पिता पुत्र पत्नी परिवार सबसे रिश्ता रहता है मगर उम्मीद किसी से नहीं, क्योंकि उम्मीद से धोखा है, उम्मीद से धोखा नहीं, उम्मीद ही धोखा है। मैंने परायों से धोखा नहीं खाया, मैंने अपने से धोखा खाया, पराये से धोखा नहीं खाया, मैंने बहुत धोखे खाए, बहुत धोखे खाए, एक बार नहीं मैंने अनंत बार धोखे खाए, और पराये से नहीं अपने से। पराया क्या धोखा दे, पराया तो ये देह, देह से धोखा नहीं खाया मगर देह के प्रति जो मोह का भाव वो तो अपनी पर्याय है, मैंने अपनों से ही धोखा खाया ये मानकर कि मोह मेरा स्वरूप है, ये मानकर मैंने धोखा खाया, और मैं तो चैतन्य यह जागृति। जिस समय तुम्हें अंदर में यह जागृति का जोर, तब तुम्हारा जोर क्वालिटी पर गया, क्वांटिटी पर नहीं। इसलिए निधि तुम कितने समय तक विचार करती हो यह महत्वपूर्ण नहीं, मगर अंतर में चैतन्य के लक्ष्य से विचार हुआ कि नहीं, बस उस पर ही तुम्हारा ध्यान रहे, उसकी तुम्हें सावधानी रहे। जब भी विचार चले अरे वो आदमी भूखा प्यासा कैसे कर्म के फल को भूखता है, ये विचार चले तुरंत ही वहां से ही डिस्कनेक्ट होकर इस समय भी ये जो विकल्प ये जो व्यक्ति उस समय भी मेरा रोल क्या है कि सिर्फ जानने वाला, वो देखना भूखे को अंड भी देना, मगर ये सब विकल्प क्रिया और संयोग इन सब के काल में मैं कौन हूं, ये अंतर में ऐसा बार बार ये विचार, और कभी गैप हो जाता है उसका एक ही कारण कि सत्संग से दूर हुए हो, सत्संग से दूर हुए, उसके पीछे बहुत गहरा भाव। ये सूक्ष्म भाव ये जो छिपे हैं क्वालिटी दिशा सच्ची हो, क्वालिटी का अर्थ दिशा, दिशा सच्ची हो, क्वांटिटी सूर्य की गति तो बहुत है, चंद्र भी गति करता है सूर्य भी गति करता है मगर पहुंचता कहीं भी नहीं, क्योंकि वर्तुलाकार घूमने वाले कहीं नहीं पहुंचते, सिर्फ भटकते हैं पहुंचते नहीं, और हमारी जो आज तक की यात्रा है वो वर्तुलाकार हुई है, इसलिए तो संसार को एक चक्कर कहा, संसार चक्र वर्तुलाकार यात्रा, पहुंचता कहीं नहीं सिर्फ भटकता है। और चैतन्य की यात्रा को चैतन्य दिशा की यात्रा कहा, उसे डायरेक्शन कहा, एक दिशा कि वहां यात्रा होगी तो पहुंचना होगा, क्वालिटी का अर्थ चैतन्य की दिशा से ही तुम्हारी यात्रा निकट काल में सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है, वरना ये शंका ना होती। अब फिर बार बार कह दो कि जितनी भी ये कर्णानुयोग की
शंका होती है उस समय भी बचाना आपने को कि इन शंका का समाधान पाकर के भी मुझे बुद्धि को नहीं बढ़ाना है, मुझे स्वरूप के निकट आना है। पंडिताई नहीं करना है, पंडिताई छोड़ना है, उक्षयोक्ष ज्ञान से एकत्व छोड़ना है। आज इतना।